घटनाक्रम है इसको बताऊँ, उसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी जब तक जीवित थे, जब तक ये संस्था ठीक चल रही और ऐसी शंका की जा रही है, सत्यता तो परमात्मा जाने कि प्रभुपाद जी की ही जो मृत्यु हुई है वो सही नहीं हुई है, उनकी हत्या हुई और ये विदेशियों का आतंक है, विदेशी जो माफिया है अपाताई है वो भारतीय संस्कृति को मूल रूप से नष्ट करना चाहते हैं, सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। ये जो वेशभूषा है और उनके हाथ में जो माला की झोली है मातृ के साथ, उनके हृदय में जो धारणा छिपी हुई है वो है सेक्स की, और दूसरा उद्देश्य उनका ये है कि धर्म ज्ञान में जो मंदिर में मुख्य रूप से लोग अपनी भावनाओं से जुड़ के जो लंबे चौड़े चंदे दान धर्म करके जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो पैसे पर भी इनकी बुद्धि है। आपने एक बहुत बाहरी विवादित बयान दिया है कि प्रभुपाद जी की जो देह त्याग लीला हुई थी, दिनवार देह मृत्यु हुई थी, वो उनकी एक मृत्यु न होकर के उस पर भी आपने संदेह जताया। जी, संदेह जताया। आपका कहने का तात्पर्य क्या है? क्या उनकी हत्या की गई थी? जी जी, तात्पर्य यही है कि उनके शिष्य ही लोग, जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी, जी मैं वृंदावन नहीं था, जी और जो उसके शिष्य जाते थे रोए कल्पे, मैं भी दर्शन के लिए गया था, तो आम लोग ये बता रहे थे कि बाबा अभी मरने वाले नहीं थे, स्वस्थ थे, ठीक थे, और अचानक बाबा की मृत्यु कैसे हुई, हम लोगों को नजदीक क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, हम लोगों को सेवा क्यों नहीं करने दिया जा रहा। वो ज़्यादातर जो भारतीय थे, ब्रजवास कर रखे थे, वृंदावन में रह रहे थे, उन्हीं की ये भावना थी, इसलिए मैं संदेह बता रहा हूँ। और मैं सत्यता नहीं जानता था और गहराई में नहीं जानता था, जो मैं इस विवाद को आगे बता रहा हूँ, तो वो भी आप अगर पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि वो बात जो लोगों ने मुझे बताई थी उसमें मैं उस पर भी संदेह व्यक्त कर रहा हूँ कि विदेशी ही क्यों नजदीक थे, जब उनके भारतीय शिष्य भी नजदीक थे, सेवा करते थे, तो उनको नजदीक से क्यों हटाया गया, इसलिए बात संदेह का दायरा कारण है। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि जो विवाद अभी इस्कॉन से चल रहा है, ये 9 महीने पहले भी चला था और बराबर चल रहा है, बीच बीच में कई बार गवर्नमेंट का भी छापा पड़ा था, इंदिरा गांधी के समय भी छापा पड़ा था, कारखानों से बहुत से अवैध सामान मिले, इनके रेस्टोरेंट पर छापा मारा था और वो भी अवैध कार्य का पर्दाफाश हुआ था, इसमें अवैध वीजा पासपोर्ट के सैकड़ों विदेशी रह रहे हैं और यहाँ से देशद्रोही विरोधी गतिविधियों का कार्य कर रहे हैं और उस पर सरकार का ध्यान नहीं है, बार बार कहने पर। और वहाँ पर जो भारतीय संत मंदिर में जाते हैं उनको जाने में रोक ठोक करते हैं, और जो भारतीय शिष्य वहाँ रह रहे हैं, ब्रह्मचारी रह रहे हैं, वो जब इन गलत कामों का विरोध करते हैं तो उन्हें उठा के बाहर फेंक देते हैं। उसी का मिसाल नवनीत दास जी हैं, जो आपके सामने आज सैया पर सोए हुए हैं और बीमार नहीं हैं, आंदोलनकारी हैं और आज इनका 14वां दिन है भूख हड़ताल का। इसी प्रकार से जो हमारी संस्कृति ब्रह्मभूमि को ये निकालने की साजिश कर रहे हैं इन विदेशियों के खिलाफ, और ये जो संस्कृति विरोधी जो अताशाही हैं उनके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा होगा। और आगे आप जो पूछेंगे ना, ठीक हो।